प्रदेश के पूर्व वन मंत्री स्वर्गीय दादा निर्भय सिंह पटेल की बैठमा के राजबाड़ा चौक स्थित आदमकद प्रतिमा के लोकार्पण करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 13 फरवरी सोमवार को बैठमा आ रहे हैं। नमस्कार साथियों, बैठमा में कल जब सोमवार 13 फरवरी को जब सीएम आएंगे, प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान बैठमा में आ रहे हैं और कल वो यहाँ पर आकर के स्वर्गीय दादा पूर्व वन मंत्री दादा निर्भय सिंह पटेल की मूर्ति का अनावरण करेंगे। साथ ही भाजपा की विकास को लेकर के, भाजपा के जो कार्य जो किए गए हैं उसके विकास को लेकर के पूरे प्रदेश में अभी इस समय विकास यात्रा का दौर चल रहा है, तो उस विकास यात्रा को लेकर के कल यहां आ रहे हैं और निश्चित ही वो बैठमा को कुछ ना कुछ सौगात देंगे, कुछ ना कुछ देकर के ही जाएंगे। क्या आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस साइड मंच बन रहा है अभी और किस तरीके से तैयारी चल रही है, आप देख सकते हैं कि सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। मंच की जो तैयारी है, गार्डन की जो तैयारी है, मूर्ति की जो तैयारी है, वो सारी तैयारियाँ अभी इस समय चल रही है और कल जब मुख्यमंत्री आएंगे तो इसी मंच से वो संबोधित करेंगे सभा को और निश्चित ही बैठमा के लिए कुछ ना कुछ विशेष होगा। कल वो यहाँ से लोकार्पण भी करेंगे, कुछ शिलान्यासों का, करीब 400 से अधिक शिलान्यास का वो लोकार्पण भी यहाँ से करेंगे जो उनके विकास कार्य किए गए हैं। राजेंद्र सूर्यवंशी, SW24 न्यूज के लिए। वहीं इसे लेकर सीएम के आगमन की तैयारियां भी अब अंतिम दौर में चल रही हैं, जिसे लेकर शासन और प्रशासन भी अलर्ट मोड में है। कई जगह बैरिकेड्स लगाकर रूट डाइवर्ट कर दिया गया है, वहीं यातायात व्यवस्था में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। प्रदेश भर में चल रही विकास यात्रा के अंतर्गत बैठमा में मुख्यमंत्री का यह दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। संभावना है कि मुख्यमंत्री बैठमा के लिए कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी इस दौरान कर सकते हैं। मुख्यमंत्री शाम को 5 बजे बैठमा आएंगे। लगभग 2 घंटे तक मुख्यमंत्री बैठमा में मिनट टू मिनट कार्यक्रम के अंतर्गत रहेंगे। बैठमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कल बैठमा में सोमवार 13 फरवरी को बैठमा में मध्य प्रदेश के मुखिया CM शिवराज सिंह जी चौहान पधार रहे हैं, तो उसी को लेकर चर्चा के लिए आज हमारे साथ पूर्व विधायक देपालपुर मौजूद है, श्री मनोज जी पटेल। हम उनसे इसके आयोजन को लेकर क्या तैयारी चल रही है उनके बारे उनसे हम जानेंगे, बताइए। हुई कल माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, बैठमा की इस पावन धरा पर आ रहे हैं विकास यात्रा के लिए और पिताजी स्वर्गीय दादा निर्भय सिंह जी पटेल की मूर्ति के अनावरण के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं और उसकी तैयारी के लिए प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता तन मन धन से जुटा हुआ है और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र से और नगर से लोग आए इसका प्रयास भी कार्यकर्ता कर रहा है और लोगों में उत्साह भी है और लोग आएंगे भी। विकास यात्रा भी इस समय चल रही है पूरे प्रदेश में, तो विकास यात्रा में क्या चीज़ें देखने को मिल रही, ग्रामीणों का किस तरीके से सहयोग मिल रहा है या क्या उम्मीद वे और आपसे कर रहे हैं, भाजपा सरकार से कर रहे हैं, CM शिवराज से कर रहे हैं? विकास यात्रा 230 विधानसभा में चल रही है और देपालपुर की इस विकास यात्रा में ही माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और हम जब विकास यात्रा लेकर के गांव में जा रहे हैं तो पहली चीज़ तो ये कि मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि पहली बार ये देखने को मिला कि पोस्ट कार्ड के माध्यम से माता बहनों ने, पुरुषों ने, भाइयों ने धन्यवाद दिया माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को। किसी ने आयुष्मान कार्ड के लिए धन्यवाद दिया, किसी ने पेयजल योजना के लिए धन्यवाद दिया, किसी ने संबल योजना के लिए धन्यवाद दिया, किसी ने अनेक आवास योजना के लिए धन्यवाद दिया। अनेक योजनाओं के माध्यम से मेरे पास पड़े हुए, आप चाहें तो मैं सबूत दिखा दूँगा, ढेर सारे थोक में पोस्ट कार्ड हो गए। मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि धन्यवाद भी वापस उधर से आ रहा है। कहीं मैंने एक झलारा गांव में देखा, वहाँ धन्यवाद तो उन्होंने दिया ही पर वहाँ माता बहन पंप संचालित कर रहे हैं झलारा में और पंप को गांव की सप्लाई देखते हैं। मतलब अगर टंकी से घर तक पानी पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है और अगर ख़राब आ रही है, ख़राब हो गया, मेंटेनेंस करना है, तो ये सारी चीज़ें माता बहनें कर रही है। ऐसा इस आयोजन इस यात्रा में देखने को मिला और चूंकि फिर कहीं कहीं छोटी मोटी समस्याएं रहती था, उन सारे प्रशासन हमारे साथ रहता है, हम तुरंत उसका निराकरण करते हैं। अब सड़कें तो लगभग सभी गांवों में बन गई, पीने के पानी की टंकी भी सभी गांवों में हो गई
अब हम नई एक गांव को दूसरे गांव से पास के गांव में वो घूम के जाना होता है, तो अब कनेक्टिविटी और ज़्यादा बढ़े तो कनेक्टिंग सड़कों को डिमांड है और वो भी हम जल्द से जल्द पूरी करते जा रहे हैं जितना हो सकता है। एक आखिरी सवाल, बेटमा के लिए कल क्या मिलने की उम्मीद है? अभी तो विकास यात्रा है, अब विकास यात्रा में तो आपने देखा होगा कि बेटमा को तो पहले ही मिल गया, उनके आने से पहले ही मिल गया, तो कल जब वो आएंगे तो बहुत कुछ मिलेगा बेटमा को। जी धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ क्षेत्र के पूर्व विधायक जो इस आयोजन को लेकर उत्साहित है। SW24 न्यूज़ के लिए राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।